जिस प्रकार एक भाषा को दूसरे भाषा में बदलने के लिए एक ट्रांसलेटर की जरूरत होती है, ठीक उसी प्रकार हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए भी ट्रांसलेटर की जरूरत होती है, जिसे कंपाइलर कहते हैं। प्रत्येक हाई लेवल लैंग्वेज के लिए एक अलग कंपाइलर की आवश्यकता होती है। हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे कोड को सोर्स कोड कहा जाता है। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ कंपाइल करते हैं तथा त्रुटि मिलने पर त्रुटियों का विवरण भी देते हैं। कंपाइलेशन कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को किसी कंप्यूटर के लिए मशीनी निर्देशों के क्रम में बदल देता है। हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में बदलना ही कंपाइलेशन कहलाता है। लिंकिंग सभी फाइलों को कंपाइल करने के बाद मिलाकर एक एक्सेक्यूटेबल फाइल बनाया जाता है, जिसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। कंपाइल किए गए प्रोग्राम से सही आउटपुट पाने के लिए उन्हें कुछ लाइब्रेरी फाइल्स से जोड़ा जाता है जो पहले से कंप्यूटर में उपलब्ध होते हैं। इन्हें आपस में मिलाना ही लिंकिंग कहलाता है। लिंकिंग से मिले परिणाम को ही एक्सेक्यूटेबल फाइल या सॉफ्टवेयर फाइल कहा जाता है। लिंकिंग दो प्रकार की होती है, स्टैटिक तथा डायनामिक लोडिंग। फाइलों के कंपाइलेशन और लिंकिंग के बाद एक्सेक्यूटेबल फाइल को कंप्यूटर के मेमोरी में लोडर द्वारा लोड किया जाता है। लोडिंग का अर्थ यह है कि किसी प्रोग्राम को सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी पर कॉपी करना ताकि वह रन यानी कि एक्सेक्यूट होने के लिए तैयार हो सके।